नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी ठीक की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है डीआरडीओ एमटीएस 2020 के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, तेल के कोच सबसे ज्यादा किस देश में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो विश्व में खनिज तेल के बड़े संचित भंडार वाले देश कौन कौन से हैं? तो नंबर एक पे आता है दोस्तों आपका वेनेजुएला, दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है आपका सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है कनाडा। तो यहां से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो आपका अंटोनियो गुटरेस हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। और दोस्तों अंटोनियो गुटरेस जो है वो कहां के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, याद रखिएगा दोस्तों पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अंटोनियो गुटरेस। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो खुले में शौच से मुक्त जो है भारत का पहला राज्य है सिक्किम। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, और दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा राज्य कौन सा है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो खुले में शौच से मुक्त दूसरा राज्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोजन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो दोस्तों अगर विचार करें इस प्रश्न पे तो आपका यूरोजन का नवीनतम सदस्य राष्ट्र लिथुआनिया है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों यह जो है 1 जनवरी 2015 को यूरोजन में शामिल हुआ था, तो 2015 में शामिल हुआ था लिथुआनिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, गुजरात हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम जिसे मां की संज्ञा दी गई है किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करिए सारे ऑप्शंस पे और बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों विशेष रूप से माताओं को स्तनपान के लाभों से अवगत कराने और इस संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसे हम माँ के नाम से भी जानते हैं इसकी शुरुआत की। तो दोस्तों यहां से आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय माने ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में धन जुटा सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग जो है हम डेटा को स्टोर करने, अरेंज करने और सिंक्रोनाइज माने हेर फेर करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करिए सारे ऑप्शंस पे और बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक्सेल जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक भाग है, तो यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि BHU किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो BHU जो है बनारस में स्थित है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के सहयोग से वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था BHU को। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उनका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, हम सबके प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की संज्ञा दी गई और उन्हें ही नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और याद रखिएगा यहां पूछा गया कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे। दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, सूर्य सेन की और भगत सिंह की, तो ये तीनों ही सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहां से दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे आपने जहांगीर का नाम सुना होगा, जहांगीर, तो जहांगीर का असली नाम, मूल नाम क्या है? नसूरी जी दोस्तों, नरुद्दीन बेग मोहम्मद। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का मूल नाम था नसूरुद्दीन मोहम्मद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों खगोलविद बराहा मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों अगर हम बात करें कवि कालिदास और बराहा मिहिर, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध होने वाला चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, किस आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। स्वदेशी आंदोलन में यह बताया गया था कि हम भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का उपयोग करना चाहिए जिनका निर्माण भारत में किया गया। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी माने सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये कहां है? बिल्कुल ठीक है, ये है अफ्रीका में। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में चीन व भारत की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों अगर हम बात करें दर्रों की, तो कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों भारत के अन्य प्रमुख दर्रे कौन कौन से? एक आपने सुना होगा बनिहाल दर्रा, और ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल ठीक है, यह स्थित है हमारे जम्मू श्रीनगर में। अगर बात करें दोस्तों हमारा रोहतांग दर्रा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों यह कुल्लू लाहौल स्पीति मतलब हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों सिप किला के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो यह कहाँ है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हिमाचल और तिब्बत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर हम बात करें तो बांधों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों यहां से इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आउट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाह्यतम मेटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें क्रस्ट और मेटल शामिल है, कठोर बाहरी हिस्से की बात हो रही है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पृथ्वी का वह बाहरी और कठोर भाग जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल करता है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। और इसकी गहराई, बिल्कुल ठीक, इसकी गहराई जो है 40 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक होती है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर टू बी, K2 जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट चोटी। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्वीडन की कैपिटल का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन की कैपिटल को हम जानते हैं स्टॉकहोम नाम से। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बर्न जो है वो किस देश की कैपिटल है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल को दोस्तों हम जानते हैं बर्न नाम से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स कर रखा है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों अगर हम बात करें राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और लोकसभा की, तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करना आवश्यक होता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, कौन सा, आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु भारत की नागरिकता के साथ उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये तीनों ही गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय माने बिजनेस का यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? बाबा साहेब कहा जाता है। जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही विकल्प। बी आर अंबेडकर को हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था बाबा साहब का। तो दोस्तों अगर आप डेट याद रखना चाहें तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, 14 अप्रैल 1891 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और कौन से स्टेट में इनका जन्म हुआ था? तो स्टेट था मध्य प्रदेश, एमपी में इनका जन्म हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत की आबादी की औसत आयु क्या है? जी दोस्तों हमारी पॉपुलेशन की एवरेज एज जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या की औसत आयु जो है दोस्तों 29 वर्ष है। तो दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 25 to 30 ईयर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत की जो 65% पॉपुलेशन है उसकी एज कितनी है? लेस देन 35 ईयर। तो याद रखिएगा दोस्तों 65% आबादी जो है हमारी 35 वर्ष से कम की आयु की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताइए कि भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बीपी गिरी द्वारा 19 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी किया गया था। दोस्तों इसके बाद पुनः 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1969। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है कृषि उत्पादों के मार्केटिंग हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल
राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, मतलब इस समय जिनकी कटाई हो रही है, उन्हें हम कौन सी फसलों के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नवंबर से मार्च के बीच सर्दियों में उगाई जाती हैं रबी की फसलें, तो इसलिए यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जी दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस स्टेट में एस्टेब्लिश की जा रही है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल, और इम्फाल में ही इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटॉप माने सम स्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों समुद्र के जल के नीला रंग होने के पीछे क्या कारण है? क्या आप जानते हैं कि किस वजह से जो हमारे समुद्र का पानी है वो नीले रंग का दिखता? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण, तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मीथेन? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मोटर वाहन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो मीथेन उत्सर्जन के जो प्रमुख सोर्स है वो कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो होता है कोल माइंस। उसके अलावा दोस्तों जो नमी होती है या फिर आर्द्र भूमि, वहां से मीथेन होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो चावल के खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, वहां से भी हमें मीथेन मिलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी 6.5 से 8.5 पीएच मान होना चाहिए पानी का, और कौन से पानी का, ये जो है जनरली नॉर्मली जो होम सप्लाई होती है उस पानी की बात हो रही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितना आर्सेनिक आपके पानी में अलाउ है अगर बात हो रही है घरेलू पानी की, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 0.050 ppm मैक्सिमम होना चाहिए आर्सेनिक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद को फेंकता है, तो दोस्तों वह गेंद कहां गिरेगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर ट्रेन की यात्रा करें तो ये एक्सपेरिमेंट करके भी जरूर देखिएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी में गेंद जो है लंबवत ऊपर फेंकने पर गेंद यात्री के हाथ में ही गिरेगी, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी भी जानते एसी के नाम से भी जानते को एक दिश धारा जिसे हम डीसी के नाम से जानते हैं में किसका प्रयोग करके परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए सारे ऑप्शंस पर कि हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो किस के द्वारा हम कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, रेक्टिफायर के द्वारा जो हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी धारा को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, सांस से रेस्पिरेशन से कनेक्शन किसका नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कोशिकास्थ वक्र बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है, जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सोमेटोट्रोपिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोमेटोट्रोपिन की आवश्यकता होती है किसी भी बच्चे की लंबाई चौड़ाई और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित पशुओं में कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, आप बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो स्कोलियोडोन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बाकी अगर हम तीनों की बात करें, कंगारू, व्हेल और हिप्पोपोटामस, तो यह तीनों ही स्तनपायी प्राणी समूह के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से विचार करके बताइए कि क्या आप खाएं कि आपको जो एनर्जी मिले वो मैक्सिमम मिले। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से श्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो सेक्रेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो छोटी आंत से उत्पादित होकर लीवर में पित्त, अग्नाशय में अग्नाशय रस का उत्पादन करने का संदेश देता है। तो दोस्तों यहां से सेक्रेटिन माने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, डॉली नामक भेड़ जो है पहला स्तनधारी जीव थी जिसको क्लोन टेक्निक द्वारा इयान विल्बुट व उसकी टीम ने तैयार किया था। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होगा। जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की वसा माने फैट, तो प्रतिमान ऊर्जा की दृष्टि से फैट का कैलोरी मान जो है वो सबसे अधिक व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.3 टाइम होता है। तो यहां से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्षय रोग जिसे हम टीवी के नाम से भी जानते हैं, इससे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए BCG का टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए टीबी नामक बीमारी से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा चक्र का भाग नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन, मिश्रण जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित जीवों में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। बिल्कुल ठीक, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में वर्ष 1924 में की थी। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं नहीं बनाया है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। TDR का प्रयोग दिए गए ऑप्शन में से हम किस लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो टर्मिनल डॉपलर रडार का उपयोग एयरपोर्ट के निकट हानिकारक मौसम परिवर्तन ज्ञात करने व खराब मौसम में हवाई जहाज को हवाई पट्टी पर उतारने में किया जाता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें ताइवान की प्रजनन दर है दोस्तों 2.2 जो
दिए गए ऑप्शंस में से बाकी सारे देशों में सबसे कम हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर बात हो रही प्रजनन दर की, तो भारत की प्रजनन दर कितनी है, बिल्कुल ठीक है 2.33 है। और दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अधिक प्रजनन दर की, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों नाइजीरिया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो जनवरी 2016 में नासा वैज्ञानिकों ने जीनिया का फूल सर्वप्रथम अंतरिक्ष में खिलाया है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है, जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल ठीक। दोस्तों ऑपरेशन संकट मोचन जो है वो 2016 में दक्षिण सूडान के सिविल वार के बीच फंसे भारतीयों के रेस्क्यू या बचाव हेतु, उन्हें वहां से निकालने हेतु यह मिशन चलाया गया था। तो बिल्कुल ठीक है, और किसने चलाया था, भारतीय वायुसेना ने। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, इलाहाबाद राजधानी मुगल बादशाह किसने बनाया था, बिल्कुल ठीक अकबर और शाह आलम द्वितीय दोनों ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू प्रसन्नता जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को किस देश ने डेवलप किया है, बिल्कुल ठीक। दोस्तों बात करें तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा जो है भूटान द्वारा दी गई है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो संसारपुर पंजाब में स्थित गांव है और इस गांव के 14 खिलाड़ी जो है ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम में खेल चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, संसारपुर पंजाब में है याद रखिएगा, और 14 खिलाड़ी जो है ओलंपिक में खेल चुके हैं इस गांव से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो संघाई मागलेव ट्रेन जो है विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों 267 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी जिला है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 27 जनपद हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए यह कथन किसका है, बिल्कुल ठीक। दोस्तों अगर हम बात करें तो अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, उन्होंने कहा था कि आपको कॉलेज जाना चाहिए व अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में देखा था कि सबसे कम किसकी है और यहां पर पूछा गया है सबसे ज्यादा, बिल्कुल ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, नाइजीरिया की प्रजनन दर जो है वो सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, बिल्कुल ठीक दोस्तों अगर हम बात करें विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की सबसे पहली राष्ट्रपति हैं, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज्यादा जानकारी पढ़ने के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल बीएससी टिकी क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।